संसार परिक्रमण करते हुए
जीव क्या गलत मानता है। आपने ये तो दिया गलत को सही मानता है, लेकिन क्या गलत है और सही मानता है। तो पटनोजी साहब यहाँ तीन तरह से बात करते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि आप स्वयं कैसे हो, अमूर्ति क्या बात करते हो, आप कैसे हो, आप स्वयं तो हो अमूर्ति, ज्ञान आदि विशेष गुण के धारी हो और अनंत अनादि अनंत और मैं कैसा हूं, मैं अमूर्ति। दूसरा ज्ञान आदि गुणों का धारी, तीसरा अनादि अनंत, ठीक है, आप स्वयं हो। और इस पर्याय में जो शरीर का सहयोग मिला है वो क्या है, वह अनंत मुद्दल परमाणु का घेला, ज्ञान आदि गुण में नहीं है और जिसका नवीन सहयोग मिला है ये वे। शरीर कैसा है, शरीर है मूर्ति, ठीक है, नवीन सहयोग हुआ है और इसमें ज्ञान आदि नहीं है। और आप कैसे हो, आप हो अमूर्ति, ज्ञान आदि आपके गुण विशेष है और आप कैसे हो अनादि अनंत, दो बातें हो गई। अरे दोनों को मिलकर ये हो गई मनुष्य पर्याय, ठीक है। तो ये विद्या के भाव में क्या होता है कि इन दोनों को मिलकर क्या मानता है, ये मैं हूं। बाकी किसका विचार नहीं कर रहा है, देखो अपनी गलती पकड़ में आएगी नहीं आएगी, दूसरों की गलती पकड़ में आए या नहीं आए ये बात बुद्धि है। लेकिन अपनी गलती तो पकड़ में आएगी ना आएगी क्या, यदि मेरे इस प्रकार का विश्वास चल रहा है धारा प्रवाह से कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं 70 वर्ष का हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरे को बीमारी हो गई है, विश्वास तो निरंतर चल रहा है, ये पहले नंबर की गलती है, मिथ्या का भाव है, क्योंकि इसको अतत्व सिद्धांत। अब जो देख सको अतत्व सिद्धांत, तो प्रोटोकॉल साहब कह रहे आप अपने को आप रूप नहीं स्वीकार करते, क्या कहते हैं प्रोटोकॉल साहब, आप अपने को आप, आपने फिर क्या गड़बड़ कर दी, ये जो आप और एक जो आप नहीं हो दोनों को मिलाकर आपने क्या माना, पहले नंबर वन
क्या गड़बड़ी हो गई इसमें? और एक बोले सुआ, उसकी भी पहचान बताइए आपको, क्या बोले पहचान बता, क्या बताइए पहचान? मूर्ति अपने को उठाना अमूर्ति से, मूर्ति से मत उठाना, आत्मा से उठा रहे हो अपने को। अपने को कहां से उठा रहे हो, कहां से उठा रहे हो? कोई पूछता है कहां? अरे 18 बरस का हो, 57 बरस का हो, छोटा हो, ज्यादा हो, कहां से उठा रहे हो अपने को? ये जो अपने को कहां से उठाना, मूर्ति कहां से उठाना? अमूर्ति ज्ञानादि गुण अनादि अनंत है ना। अगर यहां से उठा जाओ तो ठीक, और मिली जुली सरकार बनाकर फिर मान में हो तो ये पहले नंबर की गड़बड़ हो गई। वो दर्शन को होगी ज्ञान को स्पष्ट कर। सिम्टम्स बता रहे, सिम्टम्स किसके बीमारी के सिम्टम्स बता रहे हो? कौन सी बीमारी है? विद्या नाम की जो बीमारी है उसकी पहचान कैसे हो? आप अंदर जाके पहचान करो। किसकी पहचान करके लिया? वो सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, सफेद दृष्टि है ना, ना उसकी पहचान कर पाओ नहीं कर पाओ दूसरी बात है। अपनी पहचान पकड़ में आएगी ना, क्या पकड़ में आएगी? यदि आप इस असमान जाति व्यंजन पर्याय, ये जो पर्याय है इसमें एक तो है आप और एक है उज्जवल पुरुष का ढेर, और दोनों को मिलाकर यदि आप पांचों के ये में हो तो ये समझ लेना पहले नंबर की गड़बड़। कितनी खतरनाक है वो तो सब आपको पता है, ठीक है? कितनी खतरनाक है विद्या समाज की गड़बड़ है। इसके देखते हुए बाबू जी आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। कितने काल तक बोले अगर विद्या है तो अनंत काल तक परिवर्तन कर सकते। दूसरे नंबर की बात, दूसरे नंबर में क्या गड़बड़ हो रही है कि ये तो स्व है, स्व है ना, इसका भी परिणाम है और फल है उसका भी परिणाम है। क्या स्व है उसका भी परिणाम है और फल है उसका भी परिणाम है। तो ये फल है, ये शरीर है, इसके तो परिणाम ही है। क्या है इसके तो परिणाम ही है, क्योंकि वर्ण वर्ण नाम का जो गुण है वो इसमें है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है? ये किसके गुण है? उज्जवल के। और उज्जवल में क्या क्या है ध्यान देना? उज्जवल मतलब वो जो शरीर और वो जो द्रव्य कर, ये तो सीधे उज्जवल द्रव्य। क्या बात पकड़ में आई आपको? चलो राजा जी को भी उज्जवल के कहे हैं वो एक कहनी है, एक अपेक्षा है, ठीक है? लेकिन शरीर और कर्म ये तो सीधे उज्जवल द्रव्य है। उज्जवल द्रव्य मतलब इनके जो पहचान लक्षण वो तो स्पर्श गंध वर्ण उसके आधार से, तो ये शरीर है, शरीर का वर्ण है, ठीक है? और इसका पलटना तो शरीर के प्रभाव उसका परिणाम है, ठीक है? और जो जो स्व में है एक तो है ज्ञानाधिपुर का परिणाम है, और एक इसी पर्याय में पाया जाने वाला नाकार है। और ये राका जी उद्गल में नहीं पाया जाता, यद्यपि राग उद्गल का है वो जो कहा है वो इंद्र ज्ञान वापस चले गए, लेकिन किसी के चित्र में या किसी की बात बैठी हुई हो कि ये उद्गल का मतलब उद्गल में पाया जाता हो राग, ऐसा नहीं है ना। ना तो शरीर में राग पाया जाता है और नहीं द्रव्य कर्मों में राग पाया जाता है। राग कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पाया जाएगा? हमारी एक समय की दशा में, ठीक है? राग है, ओके? और ज्ञान आदि गुण जो है वो क्या है भाई? उससे तो मैं बना हुआ है ना, तीन भेद को डाला आपने, ज्ञान वो भी मैं और राग को मेरी पर्याय में पाया जाता है और उसको आप अपना नहीं कहते हो। पाया तो जाता है हमारी एक समय क्या है, ठीक है? और एक मिनट ज्ञान, ज्ञान को तो कहते हो आप अपना और राग को कहते हो कुछ का। अच्छा ना, कुछ का कहां पाया जाता है? जहां इस पर सदस्य पाया
कर्म यदि उपाधि भाव होगी कौन से भाव है, ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव है,
ये पूजा करने के भाव है, ये जो घर घर से चलाने के भाव है, कौन से घर में जाने कुर्बान के भाव है? भक्ति
हो जाता है सचिन भाई का।
पास अपनी स्टोरी है, सबके पास अपनी रियल स्टोरी है, स्टोरी है अपने मिथ्या कर्ता पने को पुष्ट करके मिथ्या को पुष्ट करके कर्ता बनना पड़ता है। कुछ पिता ऐसा करता हमको मालूम है कैसे काम करते हैं, अंधेरा रहता था, लीपना पड़ता था, पांच लकड़ियां लानी पड़ती थी, तुम्हारे क्या काम करना होता, तो तुमने सब काम कर लिया ना, करता करता पिता नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं धन का और कुटुंब का क्या हुआ, संबंध हुआ, और संबंध में कह रहे छोटे छोटे साहब उसको कि वे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है तेरे ज्ञान में पकड़ में आ रहे हैं, क्या पकड़ में आ रहे हैं कि ये मुझसे भिन्न है, कौन भिन्न है, धन कुटुंब ये मुझसे भिन्न है, ठीक है ना। ऐसा पकड़ में आने पर भी आगे देखो और फिर दूसरी बात वो इस बात को पुष्ट करते हैं, ऐसा पकड़ने आने पर वो क्या पकड़ में आया कि वे मेरे आधीन परिणमित नहीं हो रहे, हमारी पत्नी तो हमारे आधीन है लेकिन माता पिता हमारे आधीन है, ऐसा है बटवारा, बच्चे तो हमारे आधीन क्या है बटवारा, क्या पिता तो अपने आधीन है, नौकर कौन है कौन किसके आते हैं, ऐसा क्या हाल है, अल्लाह करना अंदर अपने अभिप्राय को देखना क्या कर रहा है, अंदर में मान्यता क्या कर रहा है, क्या वह प्रत्यक्ष क्या थी, प्रत्यक्ष जो कुटुंब और जो धन वो मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न है एक, और दूसरा क्या कहा, तथा वे अपने आधीन नहीं परिणमित होते, दो बात दोनों ने किए आपको, अरे बोलो ना, बच्चा आपके अनुसार चलता है, उसके शरीर का जो विकास हो रहा है वो आपके अनुसार हो रहा है, आप जो कह रहे हो वैसा है, पत्नी माता पिता नौकर व्यापार क्या आपके अनुसार चल रहा है, आपके विकास के अनुसार बोलो, कोई भी आपके विकास के अनुसार नहीं चल रहा, हाँ जी अन्ना जी है, अच्छा तो जो धन संपदा मकान अभी जो आपके एक संयोग में है वो बोला आपके अनुसार चल रहा है, अब क्या विश्वास है आपको, ऐसा विश्वास होने पर भी जो मेरे से प्रत्यक्ष भिन्न है और जहां मेरे विकल्प से वहां कोई परिणाम नहीं होता तो भी मेरे है ये मेरी मान्यता धारा प्रवाह है, ये बच्चा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, भले दादा के लिए बेटा तो मेरा है, ऐसा नहीं चलता बोलो सेवा नहीं करता लेकिन ये तो ऐसा है, किसका है, ये है मिथ्या, ये नजारा है अल्लाह सब किसको चलती है धारा, अभी ये क्या अपने माध्यम में लेके सबको चलती है ताकि मैं भी शांति से भीड़ में क्या होता है, भोग लीजिए क्या होता है, भीड़ को किसको सजा दे है, सबके साथ अपन भी है क्या, बात पकड़ में आ रही है आपको, क्या गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ गड़बड़ नंबर तीन देखो पढ़ता ही करेगा आपका है ना, तथा मनुष्यादि पर्यायों में कुटुंब का संबंध होता वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है तथा वे अपने आधीन नहीं परिणमित होते, ये तीन बातें मेरी, प्रत्यक्ष भिन्न है संबंध होता है और हमारे आधीन परिणमित नहीं होते, ऐसी तीन बातें बराबर आपको स्वीकार है ना, ऐसा होने पर भी तथा भी ऐसा होने पर भी उनमें ममकार करता है, ममकार मतलब ये मेरे है, कौन करता है, क्या निजी बनता है, अच्छा अब फिर तो भैया
अभी देखना और कौन खतरनाक था, देखना क्या होता, 200 साल 100 साल बाद क्या परिस्थिति होगी, वे कौन, वे कौन जो कुटुंब और धंधा थे, कुटुंब में क्या क्या लेना, क्या क्या लेना कुटुंब में, माता पिता पत्नी पुत्र भाई बहन सब आ गया ना कुटुंब आ गया ना, अब मुझे ठीक है, और संपत्ति जो भी है धना वे किसी प्रकार भी अभी क्या सब बना लिया किसी प्रकार भी क्या कह रहा है, किसी प्रकार की कोई एक ठेकेदार ठेकेदार का पक्ष रखो है, कम से कम मेरे को नुकसान हुआ है, व्यापार में 2 लाख का संपत्ति भी सोचती था मेरे नुकसान हुआ, इस प्रकार से तुम्हारे साथ में है, किस प्रकार का पास हुआ क्या कह रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपने तो पढ़े सेंटेंस आपको आदत आ रहा है नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये दुनिया की धारा चलाना है ना, वो बोलते हैं कमला चलत जाए पेड़ मरघट तक परिवारा, ये बोलते हैं वहां पर कमला मतलब पत्नी आते जाते और पेड़ तक छोड़ने जाते छोटे छोटे जाते जाते छोटे छोटे ठीक है, और परिवार वाले कहा जाएंगे उसको छोड़ने संस्थान तक आए, लेकिन किसी का लिखा और किसी को क्या लिखा मत अपने अपने सुख को रोए, वो पति का ही रो रही है वो चला गया इसलिए उसको कहा उसकी पड़ी है उसको कहा की पड़ी है तो उसका राज है भाई, अभी देखो शादी नहीं होने के पहले वो जो कन्या कहीं भी थी उसके संबंध में क्या खाया क्या पिया सही है नहीं है ऐसा कोई विकल्प चलता था कोई तो नहीं थी व्यवस्था, और शादी होने के बाद क्या हो गया, क्या हो गया नया क्या हो गया, अच्छा तो फिर क्या हमारी पत्नी है इसलिए कुछ तो हमारे को सोचना पड़ेगा, अच्छा पूरी पत्नी के लिए सोचता है, अरे इसका उत्तर आ गया है, जितने जो लोग ये करें नागर ये स्वयं के राय या प्रधानमंत्री साहब और उस राम को कह रहे हो उसकी पहचान बता रहे सिम्टम बता रहे जब क्या कह रहे हैं और वो बात क्या थी अभी सो रहा क्या वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं और कुटुंब माता पिता तो अपने नहीं होते हाँ भाई तो अपना नहीं होता हाँ लेकिन पत्नी तो अपनी होती है बच्चे तो अपने होते हैं कब अपने होते हैं कब नहीं होते अपने छोटे रहते तो अपने फिर शादी में रहते तो अपने नहीं होते ऐसा ही है बोलो कैसे बंटवारा हो समय हो गया बंटवारा कैसे बंटवारा तो अपने कर रहे हैं कुछ तो कुछ तो ये बंटवारा कैसे हुआ बाबू जी बताओ जैसे बच्चा छोटा है तो अपना और फिर शादी हो जाती तो फिर अपना नहीं भाई जब बचपन में साथ में रहते हैं तो अपने हैं और फिर थोड़े समय बाद जब बटवा रहा है और भाई भाई जाते हो गया है ना भाई अपन इसकी चर्चा करेंगे समय हो गया है अरे पहले का इसमें अंदर तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है एक इसकी अगली पंक्ति और एक दूसरे की पंक्ति उसको आपको बारीकी से समझना है